पैम्पर्स ने मार्केट में एक नया डायपर जो है वो लॉन्च किया है और उस डायपर का नाम है पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स। मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन हुए हैं और कुछ यूट्यूबर्स जो है मतलब उन लोगों ने रिव्यू भी बना दिया है इसके ऊपर और मतलब एडवर्टाइजमेंट भी बहुत हो रहा है इन डायपर्स के ऊपर। तो मुझे लगा कि मुझे भी लाना चाहिए ये डायपर, अगर ये अच्छा है मेरे बच्चों के लिए तो फिर मैं यूज क्यों ना करूं। तो फिर मैंने मतलब फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मैंने इसको ऑर्डर दिया था और ये डायपर आज आ गया है। तो ये अभी आया है मेरे पास और शाम को मैंने एक डायपर निकालकर निलॉय को पहनाया था और एक और डायपर जो है वो मैं जॉय को पहनाऊंगी। दो तीन दिन मैं इनको पहनाती हूँ और पहनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि पैम्पर्स वालों ने जो कुछ भी दावा किया है इसके ऊपर वो ठीक है कि नहीं है, मतलब ट्रू है कि नहीं है। तो पहले मैं अपने बच्चों पर ट्राई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको रिव्यू बताऊंगी कि मतलब जो जो बात उन्होंने कही है। पहला दावा उन्होंने ये किया है कि ये अलाउ एयर फ्लो टू बेबी स्किन और ब्रीथेबल ड्राइनेस। ये ब्रीथेबल है उन्होंने ये बोला है। और नंबर एक तो ये है इसमें, ये मतलब एक चीज अच्छा है इसको मतलब ये निकाल कर आप इसको फोल्ड करके अच्छे से मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और नंबर टू उन्होंने बोला है कि कलर चेंजिंग, इनका जो येलो कलर की जो लाइन है अगर ये पूरा भर जाएगा तो ये लाइन चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है इन्होंने ये दावा किया है, तो देखते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो दो तीन दिन मैं पहले जॉय और निलय को पहनाकर देख लेती हूँ, अगर फिर जो भी मतलब रिजल्ट निकलेगा फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके ऊपर फ्रेंड्स अभी इवनिंग के 4 बजे है और आज दोनों के दोनों बच्चे जो है वो उठ गए हैं। ये एक यहाँ पर खेल रहा है और दूसरा वाला यहाँ पे खेल रहा है। अब दोनों उठ गए हैं, जब बच्चे उठ जाते हैं तो मम्मी कैसे लेटेगी, तो मुझे भी उठना पड़ा। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, मुझे क्या काम करना है, मुझे अपने अलमीरा को ठीक करना है। मेरी बच्चे की और मेरे हस्बैंड की तीनों के जो अलमीरा का जो हालत है एकदम बिगड़ा हुआ है, एकदम खराब हो गया है। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे हम तीनों के अलमीरा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जब मुझे टाइम मिल गया है तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज करती हूँ और अपने अलमीरा को ठीक कर लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ इनके अलमीरा को ठीक करने के लिए, फिर जब मुझे टाइम अगर बचता है तो मैं बाकी अलमीरा बच्चों का देखूंगी, फिर बाद में अपना करूंगी। अदरवाइज एक एक करके करती हूँ, मैं एक साथ पूरा काम नहीं कर पाती हूँ। और अगर फिर टाइम बचता है तो फिर मैं देखूंगी। और ये जो छोटे वाले जनाब है देखिए क्या कर रहा है, इनको इस टाइप की आवाजें करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है इनको। और ये जनाब जो है वो डांस करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो अभी मैं फिलहाल अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ। काम करते करते ध्यान आया कि 5 बज गए हैं, ऑल आउट लगा देती हूँ क्योंकि 5 से 6 बजे का टाइमिंग वो होता है जब मच्छर जो होते हैं वो कमरे में आते हैं।
टाइम मैं अपना जो कमरा है वो हमेशा बंद रखती हूँ। और फ्रेंड्स पूरे आधे घंटे लगे हैं मुझे अलमारी को ठीक ठाक करने में, और देखिए मैंने किस तरफ से अलमारी को ऑर्गेनाइज किया है। ये इनकी अलमारी है, ये ऊपर का एरिया, नीचे का, और ये। मंथली एक बार मैं ये जो न्यूज़पेपर होता है नीचे का वो चेंज कर देती हूँ, और 15 दिन में एक बार तो मुझे अलमारी को ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना कि रोज जब हम कपड़े निकालते हैं और कपड़े धुलकर आते हैं, धुलने के बाद जब हम उनको रखते हैं तो डेली उसको अरेंज करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मदर हो या फिर कोई बच्चे हो या ना हो घर पर, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप रोज अलमारी को एकदम अरेंज करो। तो 15 दिन में एक बार में, मतलब एक बार तो हमको चाहिए होता है कि हम अलमारी को प्रॉपरली अरेंज करें और जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दे और ठीक ठाक रखे। ये देखिए मैंने यहाँ पर DIY मतलब मैंने किया है, ये एक मतलब ये फर्स्ट क्राइस से आया था बॉक्स, तो मैंने ये वाला यूज किया है इनके कपड़े रखने के लिए। और मैं कुछ दिनों में एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से अपने हस्बैंड का, अपना और अपने बच्चों का जो अलमारी है उनको ठीक करती हूँ, ठीक मतलब उनको ऑर्गेनाइज रखती हूँ। अभी नहीं, कुछ दिन और हो जाए, मतलब पहले मैं अपनी अलमारी को ठीक कर लेती हूँ, अपने बच्चों की अलमारी को कर लेती हूँ, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से हम तीनों की अलमारी को ऑर्गेनाइज करती हूँ। और फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं अभी, एक्चुअली हम लोग वीमार्ट जा रहे हैं जॉय के लिए कुछ विंटर्स के कपड़े लेने हैं। तो बहुत दिनों से मतलब प्लान था हम लोगों का बाहर जाने का, लेकिन फाइनल नहीं कर पा रहे थे कि बिग बाजार जाए या विशाल मेगा मॉल जाए या फिर वीमार्ट जाए। तो हम लोगों ने फाइनल किया है कि पहले एक जगह जाकर देख लेते हैं कि कहाँ पर मतलब अच्छे कपड़े मिल रहे हैं और ज़्यादा महंगा भी ना हो, क्योंकि बच्चों के कपड़े में बहुत ज़्यादा महंगा मुझे लेना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी फिलहाल तो हम लोगों ने फाइनल किया है कि वीमार्ट चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं, अगर ठीक ठाक कपड़ा मिल जाता है अच्छी रेंज में तो वहाँ से ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे विशाल या फिर बिग बाजार, और क्यों मतलब बहुत सी जगह पर सेल वगैरह लगी होगी। तो जरा थोड़ा जाकर तो ट्राई कर लेते हैं वीमार्ट में कि ठीक ठाक कपड़े मिलते हैं कि नहीं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जॉय के लिए क्या क्या खरीदा है वहाँ पे। निलॉय के लिए मैं अभी कुछ ले नहीं रही हूँ क्योंकि जॉय के जो अच्छे अच्छे कपड़े थे वो छोटे हो गए हैं और निलॉय अभी वही ले रहा है, मतलब वही पहन रहा है। तो अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है निलॉय के लिए मैं ले लूँगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं जॉय के लिए ही शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मैंने अपना जो मतलब होलिया है वो थोड़ा ठीक कर लिया है, हल्का बहुत मेकअप कर लिया है मैंने, लिपस्टिक लगा ली है, आईलाइनर लगा लिया है, हल्का मैंने काजल भी लगाया है, और फाउंडेशन खाली मैंने चेहरे पर फाउंडेशन लगाया और कुछ भी नहीं किया है मैंने। फाउंडेशन मैंने लगाया है, एक मिनट मैं दिखाती हूँ, मेरे पास अभी है ये लैक्मे का फाउंडेशन मैंने लगाया है, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये लैक्मे का है। और भी मेरे पास 3-4 फाउंडेशन है। अभी मेरे ड्रेसिंग टेबल का जो हुलिया है ना वो एकदम खराब हो रखा है, बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है अरेंज करने का। देखती हूँ एक दो दिन में अगर मैं अरेंज कर लेती हूँ, अभी तो फिलहाल मैं जाती हूँ बाहर, जरा बाहर का काम करके आती हूँ, फिर ये तो घर का काम है बाद में देखूँगी मैं। अभी हाल मैं वीमार्ट से आ गई हूँ, मैंने हम वीमार्ट से आ गए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा है मैंने, कुछ कुछ मतलब चीज़ें खरीदी है जॉय के लिए, और निलॉय के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि निलॉय के लिए मुझे वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा मिला नहीं, तो जॉय के लिए मुझे बहुत अच्छे मिले कपड़े तो मैंने वो लिए हैं मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है जॉय के लिए। एक मैंने लिया है ये ब्लैक जैकेट, उसके लिए ब्लैक कलर का उसके पास एक भी जैकेट नहीं है, और ये जब वो पहनेगा बहुत ही मतलब हैंडसम दिखेगा। ये देखिए पीछे से, प्योर लेदर तो नहीं है लेकिन ये लेदर जैसे ही है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना,
जींस के ऊपर पहने का ये जैकेट तो बहुत प्यारा लगेगा, बहुत स्मार्ट लगेगा। क्या है ये? ब्लू, ये भी बहुत प्यारा है, मतलब ये इसमें स्माइली बनी हुई है और लिखा हुआ है ये होम रन। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, एक ये लिया है और ये मुझे मिला है 450 में, ये मुझे 450 में मिला है। एक मैंने लिया है ये लाइनें बनी हुई है इसमें, ये भी कलरफुल है, ब्लू है, ब्लैक, पैंट के ऊपर भी अच्छा लगेगा और जींस के ऊपर भी अच्छा लगेगा। और ये मुझे मिला है 350 में, ये 350 में मिला है। मैंने ये ले लिया है, मैंने थोड़ा बड़ा लिया है ताकि ये नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाए, और बच्चों के लिए कपड़े तो थोड़े बड़े ही लेने चाहिए। और अभी ये अभी पहले जॉय पहन लेगा, फिर जब निलाय थोड़ा बड़ा हो जाएगा निलाय के काम आ जाएगा। ये अच्छा होता है भाई बहन अगर घर पे हो तो। और मैंने अपने लिए लिया है ये देखिए, ये मैंने अपने लिए टॉप लिया है, ये वुलन टॉप है, लेकिन ये एकदम भी मतलब मुझे पता नहीं कपड़े को क्या कहते हैं, लेकिन एकदम सॉफ्ट है ये देखिए, एकदम मतलब पहनने के बाद मुझे मतलब बहुत, जब मैंने इसको ट्रायल रूम में पहना था मुझे इतना सॉफ्ट लगा ये जींस के ऊपर मैं पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और ब्लैक लिया है ताकि मेरा जो वेट है बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं ब्लैक में, तो मैंने ब्लैक लिया। पिंक भी तो उसमें था, पिंक था, एक क्रीम कलर था, ब्राउन कलर था, ब्लैक था, तो इनके पापा ने कहा कि तुम ब्लैक लो ताकि ब्लैक अच्छा लगेगा तुम पर और ज्यादा वेट तुम्हारा दिखेगा भी नहीं ब्लैक में, तो मैंने एक ये लिया है। इसमें पॉकेट भी बनी हुई है, देखिए पॉकेट है और ये छोटे छोटे बटन लगे हुए हैं तो लुक आ रहा है, उसमें पीछे भी बटन बना हुआ है। और मुझे बहुत दिनों से शौक था कि मैं जींस का जैकेट लूं, तो मैंने ये लिया है देखिए जींस का जैकेट, अच्छा लग रहा है ना, इधर कलर भी उसका कितना हल्का मतलब लाइट है। तो ये मैंने टोटल अपने लिए दो और जॉय के लिए तीन लिए हैं मैंने। और मुझे इनर भी लेने थे लेकिन इनर मुझे वहां पर बहुत अच्छे मिले नहीं, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की थी और इनर थोड़ा मुझे मतलब मोटे में चाहिए था, तो इनर मैंने नहीं लिया है, वो मैं नेक्स्ट टाइम जब मुझे कहीं बाहर जाना होगा तब मैं देखूंगी कहीं मिलता है कि, क्योंकि जॉय का जो इनर था वो निलॉय के आ गया है, तो जॉय के पास अभी इनर है लेकिन वो मतलब ज्यादा मतलब थोड़ा टाइट टाइट है, छोटा हो गया है वो, तो मुझे वो लेने जाना है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, और बहुत दिनों से प्लान था वी मार्ट जाने का, वहां से मैं कुछ लूंगी तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वहां जाने का। तो अभी हाल हम लोग आए, मैं 6:30 पे निकली थी और हम लोग 8 बजे तक आ गए थे, और अभी मैं जा रही हूँ जॉय को खाना खिलाने। खाने में जो दोपहर को चिकन बना था वही मैं खिलाऊंगी, बस रोटी बननी है, तो अभी मैं जा रही हूँ उनको खाना खिला दूँ और फिर हो जाएगा गुड नाइट, और फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे।